हेलो दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि वाटर ही एक फ्लूइड है या फिर कोई लिक्विड ही एक फ्लूइड है तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। आप फ्लूइड को भी अच्छे से जानते नहीं हैं। ये वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए, आप समझ जाएंगे कि फ्लूइड क्या होता है। और इस वीडियो में हम बेसिकली दुनिया में मिलने वाले हर एक फ्लूइड के बारे में बात करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर एक फ्लूइड क्या होता है। मैं हूं अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम सभी ने बचपन से पढ़ा है, जाना है कि मैटर के तीन स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन हम ये भी बोल सकते हैं कि मैटर के दो स्टेट हैं, एक फ्लूइड और एक नॉन फ्लूइड। फ्लूइड शब्द कहा जाता है किसी गैस को, किसी वेपर को या किसी लिक्विड को, और नॉन फ्लूइड कहा जाता है किसी सॉलिड को। ये मैटर इन डिफरेंट स्टेट्स में इसलिए रहते हैं क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस रहता है। अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग रहता है तो वो मैटर सॉलिड कहलाता है, अगर वीक रहता है तो वो लिक्विड कहलाता है, और अगर बहुत वीक रहता है तो वो मैटर गैसेस फॉर्म में रहता है। क्योंकि लिक्विड और गैसेस में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम रहता है, इसलिए लिक्विड और गैसेस को अगर किसी कंटेनर में भरा जाए तो वो पूरे कंटेनर का शेप ले लेते हैं। तो फ्लूइड बेसिकली वो सब्सटेंस है जो तुरंत जिसमें डिफॉर्मेशन हो जाता है अगर उसमें थोड़ा सा भी शियर फोर्स अप्लाई किया जाए तो। वो शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड के ऊपर डिफॉर्मेशन डिपेंड नहीं करता, उस शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना भी कम हो फ्लूइड में डिफॉर्मेशन हो जाएगा अगर उसमें हल्का सा भी शियर फोर्स लगाया जाए। और किसी भी सब्सटेंस में जो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता है फोर्स लगाने के कारण, उसे हम कहते हैं फ्लूइडिटी या फ्लो। इसका मतलब कि जो फ्लूइड है वो फ्लो करना चाहिए जब उसमें शियर फोर्स लगाया जाए। और यही है बेसिकली न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोलता है कि शियर स्ट्रेस जो है आप किसी फ्लूइड पे लगाते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके रेट ऑफ शियर स्ट्रेन से। यानी कि किसी भी फ्लूइड में अगर आप शियर फोर्स या कोई फोर्स लगाएंगे तो उसमें डिफॉर्मेशन तो होगा, लेकिन वो डिफॉर्मेशन भी टाइम के साथ वैरी करता जाएगा। ये हमको बताता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। और अगर आप ये प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट को हटाएं तो वहां पे एक कॉन्स्टेंट आ जाता है म्यू, जिसे कहा जाता है विस्कोसिटी। तो किसी फ्लूइड पर शियर स्ट्रेस लगाने पर वो फ्लूइड डिफॉर्म होगा एक रेट से, एक वैराइंग रेट से वो फ्लूइड डिफॉर्म होगा, और वो वैराइंग रेट डिपेंड करेगा कि उस फ्लूइड का विस्कोसिटी क्या है। ये हमें बताता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। और एक बात आपको और बता दूं, जो फ्लूइड्स न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड, और जो फ्लूइड्स न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते उन्हें हम कहते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। आगे हम डिटेल से इस बारे में बात करेंगे। बेसिकली एयर, वाटर और जो कॉमन इंजीनियरिंग फ्लूइड्स हैं वो सब न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं। लेकिन अगर सॉलिड में फोर्स लगाया जाता है तो उसमें डिफॉर्मेशन होता है, लेकिन वो डिफॉर्मेशन वो सॉलिड हमेशा रजिस्ट करता रहता है जब तक कि वो फोर्स इलास्टिक लिमिट के अंदर लगता है। अगर ये फोर्स किसी सॉलिड में इलास्टिक लिमिट के अंदर लगेगा तो ये फोर्स हटने के बाद वो सॉलिड बॉडी जैसे इनिशियल शेप में थी, जो इक्विलिब्रियम में थी, वैसे ही हो जाएगी। लेकिन फ्लूइड के केस में ऐसा नहीं होता। फ्लूइड के केस में एक बार अगर उसमें हल्का सा भी फोर्स लग गया तो वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होते रहेगा और वो अपने पहले के स्टेट में दोबारा नहीं आ पाएगा। यानी कि फ्लूइड में कोई इलास्टिक लिमिट भी नहीं रहती। और जब ये शियर फोर्सेस किसी फ्लूइड में एकदम जीरो हो जाएंगे तब वो फ्लूइड रेस्ट की स्टेट में आ जाएगा, यानी वो फ्लूइड थम जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी अच्छे से समझाता हूँ। मान लीजिए दो प्लेट्स हैं, इनके बीच में थोड़ा गैप है। ये प्लेट्स हो सकती है, ये कोई ट्यूब हो सकती है, और जब आप इसमें से कोई फ्लूइड फ्लो कराते हैं, एज्यूम कीजिए कि आप उसमें से वाटर फ्लो करा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो वाटर मॉलिक्यूल ट्यूब के बॉटम सरफेस में, उनकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली रेस्ट में रहेंगे। और जैसे जैसे आप लेयर वाइज लेयर ऊपर बढ़ते जाएंगे आप देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी इंक्रीज होते जाएगी, और आप देखेंगे कि इन दोनों सरफेस के बीच में, चाहे आप ऊपर से लीजिए या नीचे से लीजिए, इन दोनों सरफेस के बीच में उस वाटर की वेलोसिटी सबसे तेज रहेगी। अगर सिंगल सरफेस के ऊपर वाटर फ्लो हो रहा है तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स सरफेस के टच रहेंगे वो रेस्ट में रहेंगे, और जैसे 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 आप फ्री सरफेस ऑफ वाटर की तरफ बढ़ते जाएंगे उन वाटर मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी चेंज होते जाएगी, और इसी को बोलते हैं रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। और फ्री सरफेस में सबसे ज्यादा तेज हो जाएगी वाटर की वेलोसिटी यहाँ पे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हमें ये बताता है कि आप शियर स्ट्रेस लगाएंगे तो उसमें डिफॉर्मेशन होगा, लेकिन वो डिफॉर्मेशन डिपेंड करेगा कि उस फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या है। विस्कोसिटी यानी रेजिस्टेंस टू फ्लो। अगर आप विस्कोसिटी के बारे में नहीं जानते तो मैंने पहले एक वीडियो बनाया है जहां मैंने विस्कोसिटी सरफेस टेंशन के बारे में अच्छे से बताया, आप वहां जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं।
तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के हिसाब से अगर आपको किसी भी फ्लूइड को क्लासिफाई करना है तो वहां पे विस्कोसिटी और उस फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी बहुत डिपेंड करती है कंपेयर करने के लिए एक फ्लूइड को दूसरे फ्लूइड से। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो फ्लूइड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉलो करते हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड, और जो फ्लूइड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉलो नहीं करते उन्हें हम कहते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। जितने भी इंजीनियरिंग फ्लूइड्स है वाटर एयर मॉल्टन मेटल सब न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं, लेकिन वर्ल्ड में बहुत सारे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा फ्लूइड न्यूटोनियन कौन कौन सा फ्लूइड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड एग्जिस्ट करते हैं। यह जो आप मेरे बगल में ग्राफ देख रहे हैं इसमें आपको एक्स एक्सिस में रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बताएगा और वाई एक्सिस में शियर स्ट्रेस बताएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के हिसाब से शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के, जो दो न्यूटोनियन फ्लूइड रहेंगे उनका स्लोप एक कांस्टेंट होगा और उनका स्लोप बताएगा कि उस फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या है। लेकिन अगर कोई फ्लूइड इस ग्राफ में सिर्फ एक्स एक्सिस में रहता है तो उसे हम बोलेंगे इनविसिड या आइडियल फ्लूइड। इनविसिड हम उस फ्लूइड को कहते हैं जिसमें विस्कोसिटी जीरो रहती है, जिसमें विस्कोसिटी प्रेजेंट नहीं रहती है। आप में कोई फ्लूइड एक्स एक्सिस के साथ पैरेलली एक्स एक्सिस के ऊपर चलते हुए जा रहा है इसका मतलब है वो आइडियल फ्लूइड या इनविसिड फ्लूइड है। और न्यूटोनियन फ्लूइड की लाइन का तो स्लोप रहेगा वो म्यू कहलाएगा यानी विस्कोसिटी कहलाएगा, यानी कि ये जो एक्स एक्सिस लाइन है यह जीरो शियर स्ट्रेस लाइन है। अब आप देखेंगे कि मेरे बगल के ग्राफ में कई और लिक्विड्स आ गए हैं जैसे कि डाइलेटेंट फ्लूइड, सूडो प्लास्टिक, आइडियल प्लास्टिक, थिक्सोट्रॉपिक। बात करते हैं इन सब के बारे में और मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि रियल वर्ल्ड में आप कहाँ देख सकते हैं इन फ्लूइड्स को। न्यूटोनियन फ्लूइड का एग्जांपल तो मैंने आपको बता दिया, एयर, वाटर और जो मॉल्टन मेटल्स हैं जो इंजीनियरिंग स्टडीज में यूज होते हैं सब न्यूटोनियन फ्लूइड है। अब बेसिकली नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में बात करते हैं और आपको इसके एग्जांपल्स बताता हूँ जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस ग्राफ में जो है डाइलेटेंट फ्लूइड। डाइलेटेंट फ्लूइड वो फ्लूइड होता है बेसिकली जिसमें अल्ट्रा फाइन इररेगुलर पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि बटर हो गया, क्विक सैंड हो गया, ये डाइलेटेंट फ्लूइड है। अब बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड की बात कर लेते हैं। बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड को ही आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड भी कहा जाता है। वाटर और क्ले का जो मिक्सचर रहता है या फ्लाई ऐश और वाटर का जो मिक्सचर रहता है वो बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड के अंदर आता है। सुएज स्लज हो गया आपका, मट्टी हो गई, टूथपेस्ट हो गए, जेल हो गए, ये सब बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड्स है। इन फ्लूइड में बेसिकली हमेशा एक मिनिमम स्ट्रेस रहता है, कभी इसमें स्ट्रेस जीरो नहीं रहते, हमेशा एक मिनिमम स्ट्रेस रहता है। अब बात करते हैं सूडो प्लास्टिक फ्लूइड्स की। सूडो प्लास्टिक फ्लूइड्स में फाइन पार्टिकल सस्पेंशन आते हैं, जैसे कि पेपर को आप वाटर में मिक्स करके पेपर पल्प बनाएंगे तो वो सूडो प्लास्टिक फ्लूइड है। रबर सॉल्यूशन एक सूडो प्लास्टिक फ्लूइड है, जो लिपस्टिक लगाती है लेडीज लोग सूडो प्लास्टिक फ्लूइड है। पेंट, ब्लड, पॉलीमेट्रिक सॉल्यूशंस, बहुत सारे सूडो प्लास्टिक फ्लूइड्स हमारे आसपास फैले हुए हैं। अब हम थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड्स की बात कर लेते हैं। क्रूड ऑयल, बेंटोनिटिक ड्रिलिंग फ्लूइड्स, प्रिंटर इंक, एनेमल्स, यह सब थायक्सोट्रॉपिक फ्लूइड्स हैं। थायक्सोट्रॉपिक फ्लूइड्स की बेसिकली विस्कोसिटी इंक्रीज होती जाती है टाइम के साथ, मेरा मतलब जैसे 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 समय बीतता जाता है थायक्सोट्रॉपिक फ्लूइड गाढ़ा होते जाता है। अब बात कर लेते हैं रियोपैक्टिक फ्लूइड के बारे में। रियोपैक्टिक फ्लूइड में बेसिकली विस्कोसिटी टाइम के साथ कम होते जाती है। थायक्सोट्रॉपिक में जैसे विस्कोसिटी टाइम के साथ बढ़ते जाती है, रियोपैक्टिक फ्लूइड में विस्कोसिटी टाइम के साथ कम होते जाती है। अगर आप वाटर में जिप्सम मिलाएंगे तो वो रियोपैक्टिक फ्लूइड होगा या कहलाएगा। अब हम आखिरी विस्को इलास्टिक फ्लूइड्स की भी बात कर लेते हैं। विस्को इलास्टिक फ्लूइड्स में बेसिकली मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी प्रेजेंट रहता है। बहुत सारे पॉलीमराइज्ड फ्लूइड्स हैं जिनमें ड्रैग रिडक्शन फीचर होता है, वो सब विस्को इलास्टिक फ्लूइड्स हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बात की फ्लूइड्स के बारे में, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में, और आज हमने फ्लूइड्स को क्लासिफाई भी किया। और मुझे उम्मीद है कि आपको फ्लूइड्स के बारे में सब चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। अगर आपको अच्छा लगे चैनल तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कुछ क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।